दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आज हम बात करने वाले सी की टैबलेट के बारे में सी मोनास्टिली किडर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और इसमें और 4MG कंटेंट है पंद्रह रुपए इसकी मार्केट प्राइस है तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस साइड इफेक्ट और डोशिस के बारे में तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं सी मोनास्टिली टैबलेट के इस्तेमाल सी टैबलेट का इस्तेमाल एलर्जी के कारण नाक बहने बहिने आने हाई फीवर त्वचा की एलर्जी के लिए किया जाता है एलर्जी के कारण छींक आने और नाक बहने की समस्या का इलाज मोनास्टिल टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बनाए जो बंधन की बहती नाक खुजली आग से पानी आने जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करता है इससे आपके लिए रोजमर्रा की गतिविधियों को पूरा करना आसान हो जाएगा इससे गंभीर साइड इफेक्ट कभी कभार ही होते हैं और आपको इसे लेने की जरूरत लक्षण दिखाई वाले दिने में ही पड़ सकती है अगर आप इसे लक्षणों की रोकथाम के लिए ले रहे हैं तो इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इससे आपकी आपको इसका नियमित इस्तेमाल करना चाहिए हाई फीवर का इलाज हाई फीवर जिसे एलर्जिक राइसाइनाइड भी कहा जाता है सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है जैसे नाक बहना आंख में खुजली कंजेशन साइनस जैसे लक्षण शामिल है स्किन एलर्जी से जुड़ी समस्याओं का इलाज सिकिड टैबलेट सूजन और खुजली के साथ साथ त्वचा में एलर्जी के इलाज में कारगर है यह त्वचा की सूजन पैदा करने वाली केमिकल की क्रिया को शरीर में ही कम करता है सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह सुरक्षित और प्रभावी इलाज है यह एक इरिटेंट के प्रति आपकी त्वचा के रिएक्शन के कारण होने वाली लालीमा रैश खुजली को कम करता है इस प्रकार यह आपकी दिखावट में परिवर्तन के साथ साथ आपका सम्मान और आत्मविश्वास बेहतर बनाता है संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसे निर्धारित अवधि तक ही लेना चाहिए बच्चों में मोनास्टेल्सिकिल के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों मोनास्टेल्सिकिल टैबलेट गंभीर साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता और आपके बच्चों द्वारा अच्छी तरह से इसे सहन किया जाता है अगर साइड इफेक्ट होते भी है तो शरीर जब इस दवा के लिए अनुकूल हो जाता है तो काफी हद तक साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं आपके बच्चों को कोई परेशानी होती है तो अपने बच्चों के डॉक्टर से परामर्श करें और

और खुराक देने की जरूरत नहीं हो नहीं है किसी भी तरह के भ्रम और मामले में जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से बात करें सुनिश्चित करें कि हमेशा आपके पास पर्याप्त मात्रा में दवा है यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों